ज्योति का जश्न मनाती है, इस ज्योति का जश्न मनाती है। प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है, प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है। जिनके जीवन के जिनके जीवन के उत्सव से सृष्टि महोत्सव मनाती है। पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम ये उस टूटे बिखरे समाज का पुनः निर्माण कर उसे पूर्ण किया। 26 जनवरी 2001 गुजरात का भुज शहर। स्वामी ने भेजा है सबके लिए, और हाँ आगे भी भोजन की चिंता मत करना, उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। हाँ खाइए। अरे प्रमुख स्वामी ने विपत्तियों में साथ रहकर दुनिया नई बसा दी है, पिताजी की मिलकत पर मेरा बराबर का अधिकार है समझे।
जिंदगी भर माँ बाप की सारी सेवा मैंने की तो सारी मिलकत मेरी होगी। हाँ तो ले लेना, पर यहाँ नहीं अदालत में आकर। दादाजी ये आपका जमाना नहीं है कि एक साइकिल पर पूरी जिंदगी निकल जाए, मुझे मेरी खुद की मोटरसाइकिल चाहिए। अब बात करो ना पापा से। बेटा ला देंगे समय आने पर। आप हमेशा पापा की तरफदारी करते हो, मुझे कोई समझता ही नहीं है इस घर में। कहते हैं परिवार खुशियों का बाग है, पर यहाँ तो हर तरफ आग ही आग है। हे भगवान क्या करूं मैं, क्या इसका कोई उपाय नहीं? એટલા માટે આપણે ઘર સભાની વાત કરીએ છીએ। ઘર સભા કરવાથી શું ફાયદો છે? તો ભેગા બેહો તો તમને એકબીજાની આત્મીયતા વધે, ભેગા ભોજન કરો તો તમારી આત્મીયતા વધે। મન બળવાનું કારણ શું છે? ભેગા બેસીએ તો આપણે એકબીજાના વિચારોની આપ લે કરીએ, એકબીજાને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ તો ઝઘડા ઓછા થઈએ, આપણા કુટુંબની અંદર એકતા વધે। આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, એના ઉપર ભાર આપવાનો। એટલે આપણે ઘર સભાની વાત કરી કે ઘરમાં બેસીને ભેગા બેસીને કંઈ રામાયણની વાત કરે, મહાભારતની વાત કરે, સત્સંગની વાત કરે તો એ કુટુંબ સંપન્ન, સુખી સંપન્ન હોય, શાંતિવાળું હોય અને બધું હોય। ઘર સભા કા ઉપહાર દેકર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ને હમારે પરિવાર મેં માનો જાદુ કર દિયા। હા અબ તો महोत्सव बनाती है, जिनके जीवन के उत्सव से सृष्टि महोत्सव बनाती है। पूरम दम पूरम पूरा पूरम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इतनी खुशियों के बीच भी कभी हम अकेले हो गए, उदास हो गए या रास्ता भटक गए, तब प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें ढूंढ निकाला और हमें सही रास्ता दिखाया। अरे सब मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं? मैं तो अकेला हो जाऊंगा। सब ने मुझे छोड़ दिया, क्या करूं? कोई मुझे समझता ही नहीं है। क्योंकि तू खुद ही ना समझ है, इसलिए कोई तुझे नहीं चाहता। अकेला। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि तेरा नसीब ही खराब है, तू असफल था है और हमेशा रहेगा। लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। सही लगता है तुझे, तू है ही निकम्मा और किसी को तेरी जरूरत भी नहीं है। मेरा कुछ नहीं हो सकता। सच में मैं निकम्मा ही हूँ और कोई नहीं जो मुझे समझ सके। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कोई रास्ता दिखाओ मुझे। हम है ना, आजा हमारे पास और भुला दे सारे गम। दुखी मत हो, हमने लाखों लोगों के दुख धुएं में उड़ा दिए हैं, तेरे दुख भी उड़ा देंगे। आजा मुझे पीले और मस्ती से जीले। मन का सब बोझ उतर गया, अब कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, मजा आ गया, अद्भुत। अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो फंसता ही जा रहा हूं, बर्बाद हो रहा हूं। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, भूल जाओ मुझसे। आपने कहा तुमको पकड़ रखा है? पकड़ा तो तुमने हमें है बेटा। बेटा ये नशा तुम्हारे शरीर को खत्म कर रहा है, अपने आप को देखो, जवानी में भी तुम मुझसे ज्यादा कमजोर दिख रहे हो। और हमारे घर के हालात भी ठीक नहीं है पापा,
आपके नशे के चक्कर में हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ पापा, और यदि आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? प्लीज पापा, छोड़ दो ये नशा, एटलीस्ट हमारे लिए, प्लीज। पल दो पल की खुशियों के लिए क्यों पूरे परिवार के साथ खेल रहे हो? निकल जाओ नशे की इस झूठी दुनिया से। नहीं निकल पा रहा, क्या करूं, लाचार हूं मैं। यदि आप चाहो तो जरूर निकल सकते हो। अभी भी देर नहीं हुई है। पर कैसे, इन व्यसनों से तो मेरे जैसे लाखों बर्बाद हो गए हैं। लाखों बर्बाद हुए हैं तो लाखों बच भी गए हैं। जो बर्बाद हुए हैं उनकी ओर नहीं, जो बच गए हैं उनकी ओर देखो। पर आप लोग कौन हैं? हम प्रमुख सम्राट की आवाज है। उनकी प्रेरणा से 40 लाख से अधिक लोग दुर्व्यसनों से मुक्त हुए हैं और आप भी हो जाओगे। लेकिन मुझे तो चारों ओर अंधेरा ही नजर आ रहा है। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक दीपक उसे दूर करने के लिए पर्याप्त है। अपनी शक्ति से नहीं, भगवान को याद करके उनकी शक्ति से प्रयत्न करो, जरूर निकल पाओगे। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज भी यही कहते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा कहते थे कि भगवान की शक्ति से सब कुछ हो सकता है। लाखों लोगों के अधूरे जीवन को उन्होंने भगवत श्रद्धा से पूर्ण किया है। छोटे छोटे बच्चों में भी श्रद्धा और भक्ति के संस्कार देकर वर्तमान के साथ उन्होंने हमारे भविष्य को भी सुरक्षित कर लिया है। भविष्य, आज सबको चिंता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। पर चिंता मत करना। जन जन के हृदयों में रहकर भक्ति से पूर्ण